श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए यहाँ पर पंडाल का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि तिलदा नेवरा में श्री प्रदीप मिश्रा जी का कथा होना है, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होगा। ये है तिलदा नेवरा का हाई स्कूल दशहरा मैदान, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा होना है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, उसी की व्यवस्था चल रही है। देखिए यहाँ पे पंडाल बन रहा है, वाटरप्रूफ पंडाल। बारिश को देखते हुए और सावन के महीना को देखते हुए बहुत बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे दुर्ग से और पावर हाउस भिलाई, इन जगहों से आप तिलदा तक बाय ट्रेन या बाय बस किस तरह से पहुँचे, तो मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कितना किराया है, कौन सा ट्रेन जाएगा, मैं सबकी जानकारी आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम दुर्ग स्टेशन चलते हैं और ट्रेन की जानकारी लेते हैं। और ये इंटरसिटी दुर्ग से सुबह 7:30 बजे दानापुर एक्सप्रेस है, 8:30 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, उसके बाद 9 बजे है गोंदिया झारसकुंडा पैसेंजर गाड़ी है, फिर 10:10 पर इंटरसिटी एक्सप्रेस है। इस तरीके से आप इस गाड़ियों द्वारा जा सकते हैं। भैया इंटरसिटी का कितना फेयर है तिलदा तक का? हाँ फेयर कितना है? 65। इस तरह से अगर आप दुर्ग से तिलदा जाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन में जाएंगे तो 80 रुपया, और पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे तो आपका 65 रुपीज फेयर लगेगा। इतने पैसे में आप तिलदा पहुंच जाएंगे। इस ट्रेन में आप भिलाई नगर स्टेशन से भी चढ़ सकते हैं और पावर हाउस स्टेशन से भी चढ़ सकते हैं। इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर भी है, अगर आप चाहें भिलाई से जा रहे हैं तिलदा तो इन स्टेशनों से भी इस ट्रेन को आप पकड़ सकते हैं और तिलदा पहुंच सकते हैं। रायपुर के भी भक्त इस ट्रेन के द्वारा तिलदा पहुंच सकते हैं और अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुन सकते हैं, तो आप लोग इस ट्रेन से भी तिलदा जा सकते हैं। चलिए हम तिलदा स्टेशन पहुंच गए हैं और बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल कर हम ये पता करते हैं कि कथा स्थल तक हम कैसे जाएँ। सवारी जैसे लेते हैं ना, हाँ, एक सवारी का 20 रुपए। सवारी जैसे 4-5 जने हो गए तो, जैसे 1 जन है या 2 जन है या 3 जन है, कम से कम मिनिमम 50। अच्छा, जैसे ज्यादा हो गए तो 20-20 रुपए 20 रुपए पर है। और कौन से जगह में हो रहा है कथा? वो अपना हो रहा है दशहरा मैदान। दशहरा मैदान में कितना किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से? 2 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ से ऑटो जाता है और क्या जाएगा? ऑटो और ई रिक्शा जाएगा ना? ठीक है, चलो तो यहाँ से ऑटो और ई रिक्शा जाएगा। और आपको पर हेड 20 रुपीज किराया लगेगा, अगर आप बुक करके जाएंगे तो 50 रुपीज लगेगा। हम तिलदा स्टेशन से निकलेंगे, मेरे लेफ्ट तरफ से बिलासपुर के लोग आएंगे, इस साइड ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से बिलासपुर के लोग आ सकते हैं। बिलासपुर से तिलदा की दूरी 85 किलोमीटर पड़ेगी, और इस साइड से बिलासपुर से लोग आएंगे, और इसके मेरे इस साइड में देखिए, और ये राइट साइड से रायपुर और भिलाई के लोग आएंगे। रायपुर से तिलदा की दूरी 50 किलोमीटर के लगभग पड़ेगी, यहाँ से वो दशहरा मैदान जा सकते हैं। हम अभी दीनदयाल चौक में खड़े हैं, यहाँ से हम जाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा होना है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है, और जगह का नाम है हाई स्कूल दशहरा मैदान। यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए बोर्ड लगा है, इसमें एड्रेस लिखा है, और ये रास्ता जा रहा है हाई स्कूल दशहरा मैदान की तरफ। जो अपने प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं उनके पार्किंग के लिए भी व्यवस्था जगह जगह पर की गई है और बोर्ड लगा दिया गया है। अगर आप दुर्ग से तिलदा बाय रोड जाना चाहते हैं तो बस के द्वारा भी जा सकते हैं, हर 1.5 घंटे के बाद बस है, उसमें आप तिलदा पहुंच सकते हैं। अब हम तिलदा नेवरा स्टेशन चलते हैं और वहां से शाम की वापसी की ट्रेन की भी जानकारी लेते हैं। जो भक्त लोग कथा सुनने गए हैं वो शाम को वापसी करेंगे, तो वापसी के लिए कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है दिन का बताइए, किसी भी टाइम का मैडम बताइए। देखिए 4 बजे के बाद का कोई बताइए, 4 बजे के बाद का ट्रेन भिलाई के लिए पावर हाउस के लिए मिलेगा 6:51 को साउथ बिहार एक्सप्रेस। साउथ बिहार 6:51 को, और लोकल कोई नहीं?
लोकल भी लाई नहीं जाती, रायपुर तक जाती है, और 6 बजे एक लोकल है वो रायपुर में रुकती है फिर डोंगरगढ़ तक जाती है। अच्छा ठीक है, और दिन में अगर चाहें तो 12-1 बजे के आसपास? 12 बजे बनवाना, सुपरफास्ट रहेगा पावर हाउस के लिए। लिस्ट कहाँ बोल रही हूँ? अहमदाबाद, सॉरी हावड़ा अहमदाबाद। हावड़ा अहमदाबाद, अच्छा मैं लिस्ट यहाँ से देख लूँ? वहाँ से नहीं, वहाँ से ले लीजिए, सारा ट्रेन का वहाँ है। अच्छा थैंक यू मैम। यहाँ पर मैं ट्रेन का पूरा समय का सारणी का पूरा मैं चार्ट का वीडियो बना दे रही हूँ, आप लोग अपने सुविधा के अनुसार इसमें ट्रेन चॉइस कर लीजिएगा कि कौन से ट्रेन से आप वापस जाना चाहते हैं। इसमें पूरा सुबह से लेकर शाम तक की सब ट्रेन की जानकारी है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं इसका एक चार्ट भी लगा दे रही हूँ जिसको देख कर आप अपना टिकट ले सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से कथा स्थल तक पहुँच जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।